क्लास करने के बाद ऐसा नहीं होता कभी कि तुमने क्लास खत्म की और अगले दिन फिर मुंह उठा के आ गए। घर पे पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं। करते हो नहीं करते? जरूरी है भाई करना, सिर्फ और सिर्फ क्लास का ड्यूरेशन ही सब कुछ नहीं है। हाँ, क्लास में अगर आपने बहुत अच्छे से एक्टिव होकर समझ ली चीज है तो आपका रिवीजन में कम टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवीजन ना करो भाई, रिवाइज करना ही पड़ेगा। और भैया ड्रॉपर वाले बच्चे हो तो कंटेंट ज्यादा डिलीवर ही होगा, क्योंकि हमको एक साल में दो साल का कराना है, सिलेबस भी तो कराना है ना। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर बहुत सारा चल रहा है, लगेगा भाई, सबको लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना ही बंद कर दो। बहुत ज्यादा देख गया सर, सर हम तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे हैं, फिर हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। ये सब नौटंकी है। इसको नौटंकी बोलते हैं। जिस इंसान को करना होता है ना, वो ये सब कुछ नहीं देखता, वो अंधाधुंध मेहनत करता है। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई ऐसे। अभी आप जेई का रिजल्ट वाला देखो वीडियो जो डाला है अलग सर ने, क्या है उसके पास? कुछ नहीं है, फिर भी सिलेक्ट हुआ ना। जिसको नहीं पढ़ना है ना, वो 10 बहाने ढूंढ लेता है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई सिलेक्ट होना है तो, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप सोचो कि हम तो बस पेपर देने जाएंगे और उस दिन तो ऊपर वाला बोलेगा भैया इसका फर्स्ट का ही आंसर है, सेकंड का ही आंसर है। तैयारी कोई आसान काम नहीं है। जो काम तुम लोग कर रहे हो वो बहुत मुश्किल काम है। और ये सोचो कि तुम्हें इसका मौका मिला, और मौका मिला है तो दिखाओ लोगों को, यही तो कर्तव्य होता है भाई दिखाने का। अच्छा तुम्हें कोई कैसे मानेगा कि तुम बहुत बढ़िया इंसान हो या कुछ भी हो भाई? तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करेगा? नहीं, मान लो तुमको कल को डॉक्टर बनना है तो ये एग्जाम तुम क्वालिफाई करोगे, फिर मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां पर प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे वहां पर, तभी तो माने जाओगे ना। बिना सिलेक्शन के तुम्हें तुम्हें भी डॉक्टर मानेगा? मतलब सिलेक्ट तो होना ही है, लेकिन तुम्हें सिलेक्ट कैसे होना है? पढ़ के, बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आधे से ज्यादा जनता जो है इसी चक्कर में ही है कि सर, एक तो क्या है ना, बहुत कंप्लेन है जनता की, बहुत कंप्लेन, सर बैकलॉग हो रहा है। अरे भाई तुम्हारा बैकलॉग हो कैसे जाता है? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ऊपर? ठीक है कोई जेन्युइन केस है, कोई बीमार पड़ गया वो समझ में आता है, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो और फिर बैकलॉग हो जाता है। सर बैकलॉग हो गया, स्ट्रेटजी बता दीजिए। एक तो तुम्हें स्ट्रेटजी बहुत चाहिए। ये सब छोड़ो, बकवास है ये सब, मेहनत करनी पड़ेगी। सदियों से यही परंपरा चली आ रही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा।